हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो चीज़ मैंने नोटिस किया है और वो चीज़ मुझे देखने को मिला अपने प्लांट के ऊपर, अपने गार्डन के अंदर। मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। 40 डिग्री से ऊपर जा चुके हैं टेम्परेचर, जो इतना हाई टेम्परेचर, इतने भारी गर्मी के अंदर मेरे प्लांट के अंदर ये चीज़ मुझे देखने को मिला, जो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस ये चीज़ हो सकती है। ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी बेसल सूट निकले हुए हैं मेरे प्लांट के अंदर, मैंने देखा है प्लांट के जो सारे सूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और साइड में जो ब्रांचेस आते हैं बहुत ही कम ब्रांचेस निकलते हैं और वो सूट्स ऊपर जाकर फ्लावर खिलते हैं, जितने भी बर्ड्स आते हैं। तो ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं, ये बर्ड्स को मैं अभी तोड़ रही हूँ। हालांकि मैंने 2 दिन से जितने सारे बर्ड्स मैं देख रही हूँ प्लांट के अंदर, सारे बर्ड्स को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मैंने इनको तोड़ना स्टार्ट किया है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर किया था कि जो भी बर्ड्स आते हैं उनको रहने मत दो, अभी जो टाइमिंग है आप सारे बर्ड्स को हटा दो। मैं गलती ये कर रही थी, कुछ बर्ड्स मैं रख रही थी क्योंकि पूजा के लिए मुझे कुछ फ्लावर कलेक्ट करने थे, इसलिए मैं कुछ बर्ड्स रख रही थी। लेकिन 2 दिन से मैंने सोचा कि मैं सारे बर्ड्स हटा दूँ। जब मैंने 2 दिन पहले ये काम कर चुकी थी अपने प्लांट के अंदर, ये आप देख सकते हैं सारे बर्ड्स मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के हटा रही थी, कुछ रह चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिला जो कि मुझे बिलीव नहीं हुआ है, इतने गर्मी, भारी गर्मी के अंदर ये आप देख रहे हैं बेसल सूट्स, क्योंकि इसके साइड में कोई ब्रांचेस नहीं है, बस सूट्स निकलते हैं, लंबा सा सूट्स इस तरह ऊपर चले जाते हैं। एक बर्ड्स रह गया है, ये ऊपर जाते हैं और फ्लावर खिलते हैं। लेकिन ये आप ये देखिए, मैंने जितना बर्ड्स हटाना मतलब 2 दिन से स्टार्ट किया, तब आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की कंडीशन, ये साइड में कितने ब्रांचेस निकले हुए हैं, 1 2 3 करके ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं साइड में, जो कि ये मुझे कभी देखने को नहीं मिल रही थी। फीडिंग मैं कंटिन्यू कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, मुझे जुलाई 31 तक फीडिंग कंटिन्यू रखना है, फिर भी इनके ऊपर ये साइड ब्रांचेस नहीं आ रही थी। गलती क्या कर रही थी, ऊपर मैंने बर्ड्स फ्लावर खिलाने के लिए छोड़ रही थी, जो कि ये सारे न्यूट्रिशन वहीं पे लगा देती थी। जब मैंने 2 दिन पहले सारे बर्ड्स सारे प्लांट के ऊपर हटा दिया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ इनके ऊपर डिफरेंस जो चेंजेस नज़र आए, वो चेंजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये देखकर आपको देख सकते हैं कितने सारे न्यू सूट्स अचानक से, ये देखिए लंबे लंबे स्टेम जा रही थी, इनके ऊपर कोई सूट्स नहीं निकल रही थी, लेकिन अचानक से इनके ऊपर सूट्स आना स्टार्ट हो गए। ये टिप्स के एरिया में जब आप बर्ड्स आते हैं, ये तो रेड लिप्स आते हैं, रेड लिप्स के साथ ही बर्ड्स खिलते हैं, लेकिन नीचे वाले सूट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रांचेस नहीं निकल रहे थे। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ज़्यादा आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं इस तरह से छोटे छोटे बर्ड्स को भी हटाना मतलब हटा चुकी थी 2 दिन पहले, जितने भी छोटे बड़े मीडियम जितने भी बर्ड्स निकल रहे थे सबको मैंने ढूंढ ढूंढ कर मतलब खोज कर निकाल कर सारे बर्ड्स को मैं हटा रही थी। और आप ये लीव्स की कंडीशन देख सकते हैं, 40 डिग्री के टेम्परेचर, मिनिमम 38-40 के टेम्परेचर अभी है। और ये तो ये देखिए, ये इतना बड़ा सा वेसल सूट, ये गैलेक्सी ग्लो है, कितना बड़ा सा वेसल सूट भी निकला हुआ है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर ये चीज़ शेयर किया हूँ कि वाटरिंग सबसे बड़ा ट्रिक है, सबसे जो मैजिक का काम करता है गर्मी के टाइम गुलाब के ऊपर, वो है वाटरिंग, सावरिंग। इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखिए। और मेरा जो मीडिया है ये सिंडर मीडिया है, आगे मैं सॉइल मीडिया के ऊपर आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। आप सॉइल मीडिया के ऊपर ईजिली आपके प्लांट को हैवीली कैसे ग्रोथ बना सकते हैं। और ये जो वैरायटी है ये एक वाइट का वैरायटी है, बहुत ही मतलब खूबसूरत सा, मतलब इतना अच्छा इसके अंदर खुशबू आती है,
बहुत ही सबसे खुशबूदार ये फ्लावर है मेरे गार्डन के अंदर। और एक प्लांट आपको दिखाऊंगी जो दो दिन पहले ये सूट्स नहीं थे, ये वैसे सूट्स नहीं थे, ये दो सूट्स इसके अंदर आ गए जब इनके ऊपर मैंने बर्ड्स सारे हटा दिए। तो दोस्तों आज का ये आपका जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप अपने प्लांट के अंदर ये चीज़ आपको फॉलो करके आप इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। और आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं कि आपके प्लांट के हालत कैसे हैं, ये इतने बड़ी जो गर्मी है, इतने हाई टेम्परेचर है, आपके प्लांट के कंडीशन कैसे हो रखे हैं। तो दोस्तों आज का ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।